सब्सक्राइब और लाइक करोगे ना? मेरे से इनका हालत देख के मुझे तरस आ रहा है। डॉक्टर, 2 महीने हो चुके हैं, इसे कब तक होश आएगा? देखिए, आप जब इसे यहाँ पे लाए थे इनका हालत बहुत ही नाजुक था। हमने अपनी पूरी कोशिश की और जैसे तैसे करके इन्हें बचा लिया, मगर ये कोमा में चली गई। उस दिन पता नहीं कैसे ये सीढ़ियों से फिसल गई। आप सच तो बोल रहे हैं ना मिस्टर जंको? क्योंकि हमें इनके बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स मिले, मानो किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया हो। तो आपने इसका कपड़ा उतारा? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ मिस्टर जंको, और आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पेशेंट को होश आ रहा है, नर्स जल्दी से इंजेक्शन पास करो। अब आपको थोड़ा ठीक लग रहा है? मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हूँ? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मगर तुम कौन हो? क्या ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कौन हूँ? डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? इनके सिर पे चोट लगने के कारण ये कोमा में चली गई थी, और शायद इसी वजह से इनका याददाश्त भी चला गया। तो इसका मतलब इसको पहले का कोई भी बात याद नहीं है? जी हाँ मिस्टर जंको, मगर आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। शायद आपको आपके काम से मतलब रखना चाहिए। मैं हॉस्पिटल का सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कर दूंगा और अभी के अभी अपने बीवी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मगर ये अभी बहुत कमजोर है और इनको अभी यहाँ से लेके जाना ठीक नहीं होगा। मगर ये मेरी बीवी है और मैं वही करूँगा जो मेरा मन हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब हमारे घर चलने का वक्त हो गया है। मगर तुम हो कौन? मैं तुम्हारा पति हूँ गुल्लू रानी, और हम दोनों अभी अपने घर जाएंगे। मुझे भले ही ये इंसान याद नहीं, मगर शायद मेरा दिल इसको पहचानता है। पर ये अजीब सा बेचैनी क्यों हो रहा है? क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और ये तुम्हारे आँखों में डर कैसा? मुझे बस घबराहट हो रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं हॉस्पिटल का सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करके आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। आप ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर, मगर क्या ये सच में मेरे पति है? जी हाँ, ये सच में आपके पति है। मगर कभी भी अगर आपको कुछ गलत लगे तो ये लीजिए मेरा नंबर, कॉल कर लीजिएगा। आपका शुक्रिया। जंको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो ना गुल्लू रानी, क्या तुम सच में मेरे पति हो? हाँ बाबा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। जंको, मैं सीढ़ियों से गिर कैसे गई थी, और मेरे जिस्म में ये निशान क्यों है? थोड़ा रिलैक्स करो और इतना सवाल मत पूछो। जवाब दो ना जंको। मुझे अभी थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। लो, घर पहुंच गए। क्या ये है हमारा घर? हाँ, यही है हमारा घर। ये घर तो कितना सुंदर है। मगर तुमसे ज्यादा नहीं गुल्लू रानी। तुम भी न
तुम्हारा फिर से स्वागत है इस नरक में। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अंदर आओ। घर तो बहुत सुंदर है मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों हो? पता नहीं जंगू, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ था यहाँ। ये सब कुछ तुम्हारे स्ट्रेस के कारण हो रहा है। चलो मैं तुम्हें हमारे कमरे में लेकर जाता हूँ, अभी तुम आराम करो। ठीक है जंगकुक, जैसा तुम सही समझो। क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक संभालो खुद को, यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। जंगकुक मेरा दम घुट रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ, मेरे रहते हुए कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। ये लो, पहले थोड़ा पानी पियो। देखो अभी तुम थक गई हो, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लो। जंगकुक मुझे छोड़ के मत जाओ। चलो मैं भी तुम्हारे पास सो जाता हूँ, अब तो ठीक है ना? हाँ जंगकुक मेरे पास रहो। अब तुम आराम से सो जाओ। क्यों क्यों तुमने मुझे इतना मजबूर किया था? तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना।